So hello, welcome guys to my YouTube channel and this is my very first video. मेरा ये first vlog है और आज very first vlog में मैं आपको क्या दिखाऊँ ये मैं सोच रहा था कि आपको क्या कुछ अलग दिखा सकते हैं तो और इस चैनल का पर्पस क्या होगा अभी फिलहाल. तो मैं आज आपको first vlog में मैं आपको basically आज दिखाने जा रहा हूँ जो भारत में इंडिया में first time होने जा रहा है. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि किसी 100 फीट प्लस के किसी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है. जी बिल्कुल आपने सही समझा, मैं फिलहाल हूँ नोएडा में और मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ वो ट्विन टावर डिमोलिशन, आपको लाइव दिखाऊंगा. सो घड़ी बजे हैं दिन के 1:15 दोपहर के और जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसे 2:30 पे गिराया जाना है और ये सिर्फ 12 सेकंड में कंप्लीट होने वाला है. तो आज हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे ट्विन टावर के पास. तो क्या कुछ अरेंजमेंट है, क्या तैयारियाँ हैं और किस तरीके से लाइव देखना एक अपने आप में बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है, बहुत ही अलग मोमेंट है कि किस तरीके से इतनी बड़ी बिल्डिंग जो कि मैं यहाँ से कंटिन्यू जब से मैं यहाँ पे हूँ आना जाना कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 उसको लगे बनने में और ये काफ़ी साल से मतलब बन के खड़ा है इसकी, चूँकि काफ़ी दिन से कोर्ट में हियरिंग चल रही थी तो इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा था और मैं आते जाते हमेशा मेरे सामने वो देखा करता था और आज उसका वो आखिरी दिन है, आज के बाद से वो देखने नहीं मिलेगा. या आप कहो कि ये एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इससे जो भू माफियाज हैं या बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो गलत तरीके से बिल्डिंग्स बना देते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आने वाले टाइम में किसी इस तरह की हरकत ना हो. तो ये भारत में पहली बार होने जा रहा है कि 100 फीट से ऊंची बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है, तो ये देखना खुद में बहुत अद्भुत होगा. तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ट्विन टावर की तरफ. तो गाइस अब लिफ्ट से हम लोग नीचे चल रहे हैं, नीचे आ गए हम ग्राउंड फ्लोर. अब यहाँ से अपन चलेंगे वहाँ नोएडा सेक्टर 93 और ये स्कूटी जो कि बिल्कुल तैयार है जाने को. तो चलिए अब मिलते हैं हम एक्सप्रेसवे पे, ठीक है. एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, आप कहीं भी जा रहे हो, आसपास जा रहे हो या दूर ट्रैवल करते टाइम, स्कूटी राइड करते टाइम या बाइक राइड करते टाइम आपने हेलमेट ज़रूर लगाना है. सो यू रेडी, चलते हैं हम एक्सप्रेसवे पे. तो फ्रेंड्स निकल चुका हूँ मैं अपनी सोसाइटी से और सामने है एक्सप्रेसवे. मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मुझे टेंशन है कि बैरिकेडिंग की गई है पुलिस के द्वारा 1:00 के बाद से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया है. तो देखता हूँ मुझे जाने का मौका मिलता है या नहीं उसके पास करीब, या कहाँ कौन सा व्यू मिलता है मुझे डिमोलिश होने का. तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं. और ये हम लोग ये देखिए इस तरीके से बैरिकेडिंग हमारे रोड में भी जो आज तक कभी नहीं थी वो भी कर दी गई है. और ये एक्सप्रेसवे जो कि अभी यहाँ पे लोग चल रहे हैं, तो देखते हैं हम कहाँ से जा सकते हैं उसके आसपास या कोई व्यू हमें अच्छा सा मिल जाए. तो कंटिन्यू बने रहे मेरे ब्लॉग में. ये एक्सप्रेसवे यहाँ से शुरू हो जाता है वे टू आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, आपको कहीं भी जाना है, यहाँ तक कि जेवर एयरपोर्ट के लिए भी ये एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे. ऊपर चढ़ते ही लेफ्ट में आपको टोल शुरू हो जाता है, टोल रोड, और ये सीधा हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं जो कि दिल्ली से लिंक होता है. एक्सप्रेसवे पे चलना बहुत आसान होता है, यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड मैक्सिमम लिमिट है तो गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ रफ्तार में जाती हैं. यहाँ पे ग्रेटर नोएडा आपका ख़त्म होता है और उसके बाद नोएडा शुरू हो जाता है. ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, ATS टावर वगैरह, ये शुरू हो जाती है नोएडा में. और ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद. यहाँ से नोएडा की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है. ये वो ट्विन टावर है जिसको डिमोलिश किया जाना है अभी बस महज 40 मिनट के बाद. एक्सप्रेसवे को फिलहाल चालू रखा गया है, ये हाफ एन आवर पहले क्लोज कर दिया जाएगा. और ट्रैफिक पुलिस हमें देखने मिली है, 150 एडिशनल ट्रैफिक पुलिस लगाई गई है यहाँ पे. और आप सामने बिल्डिंग देख सकते हैं जिसे डिमोलिश किया जाना है. ट्विन आप अगर देख पा रहे हो तो ब्लू
पॉली है या आसपास ये सारी बिल्डिंग इवैक्यूएट करा दी गई है। जितनी भी आसपास के सोसाइटीज़ हैं सबको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करा दिया गया है। जो डस्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है इसके डिमोलिश होने के बाद डस्ट क्लाउड होने वाला है, उसका किस तरीके से इंतज़ाम किया गया है, कैसे वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात है। वो ऊपर दिखाई दे रही है, ये बेसिकली 30 प्लस थी, इसे ऊपर की तरफ से मैन्युअली हटाया गया है। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लाइन से खड़े हैं, चूँकि आज संडे है तो संडे का भी मज़ा ले रहे हैं, और साथ साथ जो लोग यहाँ के आसपास के निवासी हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू हटे लाइन से। आप देख सकते हैं लोग धीरे धीरे जमा होते ही जा रहे हैं, जैसे जैसे घड़ियाँ करीब आ रही हैं और लोगों का भीड़ बढ़ता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में आज लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बेसिकली आज संडे है जिसके कारण लोग भी ये अद्भुत नज़ारे देखने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बिल्डिंग ये कुछ ही लम्हों में ज़मीन दोज किया जाना है, और हम खड़े हैं एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे अभी भी चालू है, इसे बंद नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, इसे बंद कर देना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिकॉज जितनी भी गाड़ियाँ यूपी से दिल्ली इंटर करती हैं इसी एक्सप्रेसवे के थ्रू ही जाती हैं। और ये है सामने बिल्डिंग जिसे देखने के लिए ऑल द वे वी हैव केम हेयर, और ये आप बैनर देख सकते हैं एडिफेस जेट का। तो फिलहाल आप काउंट कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे विजिबिलिटी है मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 11 या 12 फ्लोर मैं देख पा रहा हूँ। और आप जहाँ जहाँ कपड़े देख रहे हैं इसमें एक्सप्लोसिव लगाए गए हैं, हर ऑल्टरनेट आप फ्लोर्स पे देख सकते हैं, वाइट कपड़े जो लगाए गए हैं वो एक्सप्लोसिव हैं, हर ऑल्टरनेट पे जो प्राइमरी एक्सप्लोसिव है वो हर ऑल्टरनेट फ्लोर पे लगाई गई है, और ये ब्लैक से कवर करने का काम किया गया है। इसके पास ही सटा हुआ एक ATS ब्लॉक ATS सोसाइटी है जिसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होने का खतरा बना हुआ है, लेकिन उसे ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। हर इंसान इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, ये सबके लिए एक अद्भुत नज़ारा है कि किस तरीके से इतनी बड़ी बिल्डिंग को ज़मींदोज किया जाना है कुछ ही पलों में। मुश्किल से अब 25-24 मिनट बच रहे हैं, 24 मिनट बाद ये बिल्डिंग फिर दोबारा देखने को नहीं मिलने वाली है। लास्ट फुटेज मैं ले लेता हूँ इस बिल्डिंग के साथ, फिर नहीं मिलने वाला। तो फाइनली गाइस एक्सप्रेसवे को भी क्लोज कर दिया गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैरिकेटिंग कर दी गई है, फाइनली वहाँ से डाइवर्ट हो गए हैं सारे रूट। बस 8 मिनट और बचे हैं, लोगों का भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ गए हैं, पूरा ये फुल हो गया है। जो एक्सप्रेसवे पे कभी कुछ देखने नहीं मिलता है वो बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, और ये बस 7 मिनट और बचा है इस बिल्डिंग को डिमोलिश होने में। एज़ पर टाइम अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है तो सिर्फ 7 मिनट्स और बचे हैं, बस 5 मिनट बचा है, और पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव, सारे खाली करा रहे हैं, आसपास के एरिया से सारे लोगों को हटवा रहे हैं। लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो चुका है, फुल आप मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ लोग किस तरीके से कंटिन्यू गाड़ी लगा दी गई है, और हर जगह पे लोग ही लोग हैं। अलार्म बज चुकी है, एज़ पर टाइमिंग 3 मिनट और बचा है, 2 मिनट बचे हैं इनफैक्ट, चालू है अलार्म बज रही है। पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आसपास कोई भी लोग ना रहें, सभी को इवैक्यूएट कराया जा रहा है अपोजिट साइड से। जो लोग रोड पे खड़े हैं उल्टी साइड उन्हें भी हटाया गया है, और बस 1 मिनट और टाइमिंग हो चला है, कुछ महज कुछ सेकंड्स में आपको कुछ धमाके की आवाज़ आ सकती है। यहाँ के लोग भी डरे हुए हैं कि डस्ट क्लाउड यहाँ तक आए, सब लोगों ने अपने अपने मास्क ऊपर ऑन कर लिए हैं, मास्क चढ़ा लिए हैं, और किस तरह का धमाका होगा इसको लेके लोगों में एक थोड़ा सा कौतूहल मचा हुआ है, और ये कुछ ही पलों में बस एक्सप्लोड होने वाला है। टाइमिंग हो चुकी है एग्जैक्ट 2:30 बज गए हैं, अलार्म कंटिन्यू चालू है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके का आवाज हुआ है, ये आप डस्ट क्लाउड देखिए कितनी ज्यादा डस्ट क्लाउड उठ रही है, आसपास की बिल्डिंग पूरी कवर हो चुकी है, फुल कवर हो चुकी है, ये महज 1 सेकंड में ये पूरे की पूरी महज खत्म हो गई है। काफी अच्छा अरेंजमेंट था, कुछ बस सेकंड्स में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई, लोग अपने अपने बस गाड़ियों की तरफ भागते हुए, सारे लोग यहाँ पे काफी
अब देखना है कि कितनी देर में ये ट्रैफिक को खोला जाता है। वापस से जो टीम है उसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही सिग्नल देने के बाद इसे ओपन किया जाएगा। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा कंपन सा महसूस हुआ, जब एक्सप्लोड हुआ तो थोड़ी सी कंपन हुई और आप देख सकते हैं डस्ट क्लाउड किस तरीके से पूरा कवर कर चुका है आसमानों को। वापस गाड़ियों की तरफ भागते हुए और डस्ट क्लाउड बहुत ज़्यादा अभी कवर होने वाला है और इस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे से भी आ रहा है, ये ऊपर से पूरा गुबार जो चुके हवा का बहाव वेस्ट डायरेक्शन में है तो उधर को जाते हुए और ये डस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हुए लोग अपने अपने गाड़ियों में। और ये आप डस्ट क्लाउड देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले कुछ बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि आगे विजन पूरी ख़त्म हो चुकी है, विजिबिलिटी पूरी ख़त्म हो गई है डस्ट क्लाउड की वजह से। अब लोग यहाँ से वापस सब अपने अपने घरों की तरफ। अब देखना है कि बैरिकेडिंग कितने देर में खोली जाती है। आप देख सकते हैं इस जगह पर किस तरीके से कवर कर दिया है डस्ट ने। जी नीचे आ गया हमारे मीडिया पर्सन हैं आज बात वाले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बाइट ले रहे हैं। क्लाउड्स खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं अभी यहाँ बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग खत्म हो गई है और ATS जो विलेज की जो बिल्डिंग है वो साफ साफ देखी जा सकती है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह का अरेंजमेंट किया गया था, शाबाशी देनी चाहिए उस एडिफिस कंपनी को जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। ये टावर अभी नज़दीक से देखने का विषय है कि कितना जाम हुआ है, क्या हुआ है। ये हम आज की बात न्यूज़ चैनल, इन्होंने मेरा बाइट भी लिया है, देखते हैं ये लाइव होता है या इसे कट कर दिया जाता है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, इन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे, अब देखता हूँ ये अपने चैनल पर टेलीकास्ट करते हैं या नहीं करते हैं आज की बात। और फिलहाल जिस पर्पज से आया था, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही थी तब से मेरे पीछे, वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये अब शायद आप देखने को नहीं मिले, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से आता जाता था, क्रॉस करता था, तो ये बिल्डिंग मुझे देखने मिलती थी मैं अपोजिट साइड डायरेक्ट। अब यहाँ पे किसी तरह की कोई बिल्डिंग नहीं, ये ATS की जो खाली मतलब आस पास की बिल्डिंग्स है वो दिखाई दे रही है आपको फिलहाल। ये अब अथॉरिटी ने शुरू कर दी है डस्ट जितने भी उठे हैं, जितने पेड़ पौधे रोड पर हैं, तो डस्ट को टैकल करने के लिए यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा टैंकर मौजूद था, अब इन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया है। और NDRF की टीम है और अलग अलग टीम्स सारी मौजूद थी यहाँ पे। कुछ देर बाद इस डस्ट को क्लियर करने के बाद एक्सप्रेसवे खोल दिया जाना है। ये ATS विलेज की बिल्डिंग अब पूरे साफ तौर पर से देखी जा सकती है। डस्ट क्लाउड जो था ख़त्म हो गया, जिस तरह का डर था कि बहुत ज़्यादा डस्ट क्लाउड होगा तो वैसा कुछ नहीं हुआ। हवा के बहाव की वजह से वो डस्ट काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व हो गए हैं और उसको टैकल करने के लिए जो कुछ रोड पे और आसपास के एरिया में है तो वहाँ पे पूरे ज़ोरों शोर से सारे दमकल लगा दिए गए हैं। सारे वाटर टैंक यहाँ पे मौजूद थे, उसके बहाव से जितने भी डस्ट हैं आसपास रोड सड़क पे सब पे वो पानी गिरा रहे हैं, पानी दी जा रही है। तो फिलहाल ये कुछ अलग सा दृश्य फर्स्ट टाइम मैंने भी लाइफ में देखा और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश की। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर वायरल करना हो तो अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर करें। ये डिमोलिशन का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था और एक टेक अवे मैसेज के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ कि किसी भी झूठ का जो दौर होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता है और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रूफ कर दिया है। ऐसे तो बहुत सारे मामले विलंबित रहते हैं, बहुत सारी हियरिंग लंबी चलती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी दिखाई है और आज जो गलत था, जो इल्लीगल था, उसको डिमोलिश करके हमारे लिए एक लैंडमार्क सेट किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में मैं इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। और साथ बने रहिए, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।